अरे लूट गयो साहूकार बजरिया में सौदा करे नहीं पायो, लूट गयो साहूकार बजरिया में ये जीव है साहूकार है। वास्तव में हमारे भीतर के जो सदगुण है वो साहूकार है, दया है, क्षमा है, संतोष है, लेकिन ये लुट रहा है। देखिए गर्भ वास्ते बाहर आयो, गर्भवासते बाहर आयो, माता ने रे जब गोद खिलायो, माता ने रे जब गोद खिलायो, अरे वो तो खेले खेलत गरिया में सौदा करे नहीं पायो, खेले खेलत गरिया में सौदा करे नहीं पायो, लुट गयो साहूकार बजरिया में सौदा करे नहीं पायो, लुट गयो। ध्यान रखो उस समय के अपराध क्षम्य, जब बचपन में माँ की गोद में खेल रहा है, धूल में खेल रहा है, रास्ता में खेल रहा है, कोई भी भाई बहन देखते हैं तो कहते हैं अरे भैया जा मोड़ा है, अरे भीतर को ले जाओ धूल में रिपेट रहो है, और माँ फिर नहला देती है और फिर लौट जाते हो भाई में। देखिए बचपन खेल कूद में पीतो, खेल कूद में बचपन पीतो, जवान भयो जब काम में पीतो, जवान भयो जब अरे अब पसी गयो पिसे बमरिया में सौदा कर नहीं पायो, पसी गयो पिसे बमरिया में सौदा कर नहीं पायो, लुटी गयो बजरिया में सौदा कर नहीं पायो, लुट गयो साहूकार बजरिया। आए थे फूल चुनने के लिए चमने है हाथ में, दामन में खार जार गोल जाके रह गए, गए तो बगीचा में का चलो फूल टोल लावे, लेकिन कार्टन में चादर और फट गई, फूल टोर नहीं पाए और चादर और फट गई। ये मानव का शरीर मिला भजन करने के लिए, कल्याण करने के लिए, सौदा बनाने के लिए, लेकिन वो सौदा कर नहीं पाए और अपनी मूल जमा को खोकर के जा रहे हैं। देखिए अरे हाँ पस गए ऑफिस बमरिया में सौदा कर नहीं पायो, पस गए ऑफिस बमरिया में ये लुट गयो साहूकार बजरिया में, जाने सौदा करना
घेरो व्रत हुआ तन रोग निघेरो काल बली को आए गयो फेरो काल बली को ए काल बली को आए गयो फेरो अरे सोवत मोव कुठरिया में सौदा कर नहीं पायो सोवे मोव कुठरिया में जाने साहूकार बजरिया में जाने सौदा कर नहीं वृद्ध अवस्था हो गई, शरीर में नाना तरीका से रोग प्रवेश कर गए, आंख भी कमजोर हो गई, कान भी कमजोर हो गए, घुटनों से बैठा नहीं जाता है, पैरों से चला नहीं जाता है और बुद्धि भी काम नहीं करती है, लेकिन फिर भी मोह के बसीभूत होकर के टे 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 मोड़े हो जे नहीं करो है मोड़े हो वो नहीं करो ये मोह का अंधेरा। एक बार बताते हैं एक सेठ जी का आखिरी समय चल रहा था और सभी परिवार के लोग घेरे करके खड़े हुए थे। कोई कह रहा का दादाजी पानी पी लो, कोई कह रहा दादाजी ने मीठो खा लो, दादाजी कछु छण के लिए नेक होश आयो, बाने कहीं कह रहे हो छोटो मोड़ा कहाँ है, बा ने कही दादा मैं खड़ा हूँ जे, और बड़ो बाओ कहाँ है, बड़े ने कही दादा मैं हूँ खड़ा हूँ, और बहू कहाँ है, बहू ने कही दादाजी हम ये खड़े हैं तुम्हारे पास में, तो कहे वे छोटे छोटे नाती कहाँ है, तो बिन ने कही तो जो हम खड़े हैं कही दादाजी तुम्हारे पास में, तो कहे भले आदमी हो दुकान पको हो सबके सब यहीं मर रहे हैं, डोकर हमरे में जा रहे हो दुकान छाती पे धरी है, इसलिए सज्जनों यही मुंह की खुटरिया है। वास्तव में जो कोई ज्ञानी पुरुष अगर दुनिया से जाता है वो निर्भीकता से जाता है, और अगर कोई अज्ञानी आदमी जाता है वो रो रो करके जाता है, मेरी फलानी भगवे बुलाए दो, मेरी बड़ी भगवे बुलाए दो, छोटे मोड़ाए बुलाए दो, नाती बुलाए दो, जाए बुलाए दो, भाई बुलाए दो, इसलिए अरे सोए रहे हम हो कुठरिया में सौदा कर नहीं पायो, सोए रहे हम हो कुठरिया में सौदा कर नहीं पायो, लुट गयो साहूकार बजरिया में, जब यम दूत पकड़ ले जावे जब यम दूत पकड़ ले जावे एक करमनी कीरे तुम्हें मारू लगावे, करमनी अरे भरी रहो पाप गगरिया में सौदा कर नहीं पायो, भरी रहो पाप गगरिया में सौदा कर नहीं पायो, अब जो कर्म किए थे अब उनकी मार पड़ रही है। कहते हैं नहीं गुरु की न माने तो यम की मनेगी, और तेरे कर्मों की मार तुझ पर पड़ेगी, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बहन भाइयों इस पर किसी की बपौती नहीं है,
इस पर घमंड मत करना, ये अहंकार मत करना। देखिए गुरु शरण में कबहुं ने आयो, ये संत शरण में कबहुं ने आयो, मानव हीरा जन्म गमायो, हे मानव हीरा जन्म गमायो। अरे भटक जाए चौरसिया में सौदा कर नहीं पायो, भटक जाए चौरसिया में सौदा कर नहीं पायो, लुट गयो साहूकार बजरिया। मानस जन्म नर पाई के चूके अब की घात, जाय पड़े भव चक्र में सहे घनेरी लात। इसलिए रामायण में भी यहाँ बड़ी अच्छी बात बताई है, देखिए यातन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग उस्वल पयंत दुखदाई, कांच कीर्ति बदले तेले ही, करसो डार परस मणि देही। कितनी बढ़िया बात कही है, ये शरीर का फल विषय नहीं है, ये शरीर का फल इतना ही नहीं है कि खाओ पियो संतान पैदा करो और मच जाओ। काऊ ने कही रे काय को कमा रहे हो, कि खाए को काय को खाते हैं, कहीं जीवे को तो कह जी काय को रहे हैं, कि मरवे को तो कह मत तो पैसे ही जाएंगे, हैं इतना ओठ पाव काय को कर रहे हो। इसलिए सदगुरु कहते हैं भैया अगर वास्तव में मरने के लिए अगर हम लगे हुए हैं तो मरना तो सबके लिए है, लेकिन यहाँ सदगुरु संत तो जीने की कला बताते हैं कि किस तरीके से हमें इस जीवन को जीना चाहिए। और जीने की कला मिलती है हमको सत्संग से, संतों के माध्यम से। और जो भाई बहन सत्संग में डटे रहेंगे और जो आते रहेंगे, निश्चित रूप से उनके जीवन की शैली बदलती चली जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो सारी जो विकृतियाँ होती हैं वो अज्ञान की होती हैं, ज्ञान के प्रकाश में जो कर्म होते हैं वो सब सुख का ही कारण बनते हुए चले जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा नहीं किया तो फिर कितना बढ़िया कहा है, कबहुं गुरु शरण में आयो, मानव हीरा जन्म गमायो, अरे भटक जाए चौरसिया में सौदा कर नहीं पायो, भटक जाए चौरसिया में सौदा कर नहीं पायो, लुट गयो साहूकार बजरिया, सौदा कर नहीं पायो, लुट गयो।